भाई लोग, जैसा कि देख लिया आपने थंबनेल में ना कि आज अनबॉक्सिंग होने वाली है एक ऐसे लैपटॉप की जो ब्रांड आप इधर देख सकते हैं एचपी की तरफ से है। इसकी स्पेसिफिकेशन मैं पहले आपको बता दूं, इसको हमने डिलीवरी पर्सन से ले लिया है। जब वहां से उनसे लिया था तो हमने वीडियो बनाया था, जो ऊपर का कवर थोड़ा सा डैमेज था तो हमने सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए वीडियो के सामने इसको ओपन किया था कि ब्रेकेज ना निकले। आप वीडियो देखिए। ये जो है i3 है और 12th जनरेशन, 8GB इसका रैम है, 512GB का SSD है, जो अच्छी बात है। और प्राइस मैं आपको आगे बताता हूँ वीडियो में। कोर अपना जो है i3 है, मतलब इंटेल का प्रोसेसर मिल जाएगा। अगर स्क्रीन की बात करें तो 15.6 इंचेस के आसपास स्क्रीन है और इसका जो नेम है वो S15 है। मतलब जो काफ़ी ट्रेंडिंग है ये प्रोडक्ट और काफ़ी लोगों ने इसको परचेज किया है। हमने इसको रिसर्च करके और इसके रिव्यूज़ भी अच्छे थे तो हमने वहाँ से इसको परचेज किया था। अगर इसके डिस्प्ले और एंटी ग्लेयर स्क्रीन मिल जाता है, 250 निट्स की ब्राइटनेस है और वैल्यू फॉर मनी है। बैटरी अपने को एवरेज मिल जाती है, एंटी ग्लेयर स्क्रीन है, आप अच्छे से स्टडी पर्पस के लिए और ऑफिस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको अनबॉक्स करते हैं। तो इसको बस यहाँ से टेप को निकाल देना है। हमने ऑलरेडी ये सब पहले करके एक बार इसकी चेक कर लिया है कि इसमें कोई इशू तो नहीं था। यहाँ से अपने को पैकेजिंग अच्छी मिलती है। अगर आप ऑनलाइन भी परचेज करेंगे ना, मुझे नहीं लगता कि ऑफलाइन में इतना अच्छा मिलता हो जितना ऑनलाइन में मिल जाता है। लेकिन वही है, थोड़ा सा शिपमेंट ब्रेक होने का डर होता है। बट आप हमेशा वीडियो के सामने ओपन करिए, प्रूफ रखिए। तो यहाँ पे अपने पास लैपटॉप डिलीवर होता है, एक मैनुअल इंस्ट्रक्शन जैसा कुछ अपना मिल जाता है। यहाँ पे कैसे इसको ओपन करना है, इसकी अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अपने को एक यहाँ पर चार्जर जो है वो डिलीवर होता है, बाकी इस डब्बे में अपना कुछ नहीं। इसको हम लोग कर देते हैं साइड, पहले निकाल लेते हैं चार्जर को। तो यहाँ पे ये इसका पावर इन सॉकेट है, ऐसा कुछ दिख रहा है। ये अपने को पावर अडेप्टर मिल जाता है, 65 वाट का है अडेप्टर। यहाँ पे कुछ आप इंस्ट्रक्शन जो है दिया गया है, 5 वोल्ट का है, 3.33 का अपना एम्पियर मिल जाता है, 65 वाट का है, मतलब इस लैपटॉप के लिए ओके है। और यहाँ पे एक दूसरा ऐसे कुछ मिलता है। अब नेक्स्ट, अब हम लोग आ जाते अपने मेन चीज़ पे। इसको हम लोग निकालते हैं इसके अंडे वाले कैरेट से बाहर। तो ये आ चुका अपना बाहर, इसको हम लोग साइड कर देते हैं। ये अपना हो चुका है, आप देख सकते हैं पन्नी में अपने को डिलीवर होता है। हम लोग इसको निकालेंगे बाहर। थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर आप छोटे हैं तो आप अपने घर वाले के किसी की मदद ले लीजिए। अब आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा अपने को दिख रहा है, फुल ग्लेयर है, सिल्वर अपने को कलर मिल जाता है। और जो अगर ऊपर की सरफेस की बात करें ना, तो स्मूथ है। थोड़ा सा जूम करिए, जूम है ना, स्मूथ है, टेक्सचर से नहीं है। और साइज़ भी आप देख सकते हैं, अगर मैं अपने पुराने इससे कंपेयर करूँ तो आप देख सकते हैं साइज ये कितना बड़ा है उस हिसाब से। लेकिन प्राइस में ये 3 गुना ज़्यादा है। कोई बात नहीं, चलिए अब हम लोग करते हैं इसको ओपन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ हो चुका है ओपन ऐसे। यहाँ पे अपने को ये पन्नी मिलता है उसके कवर करने के लिए, एक कागज ही है लिटरली। और अपना बटन जो है यहाँ पे दिया गया है, बाकी कीबोर्ड आप देख सकते हैं। छोटा सा अपना टच पैड है, और अपने को टच पैड जो है 2x4.5 या 4 इंच का के आसपास टच पैड है। और ये भी टच पैड काफ़ी स्मूथ है। यहाँ पर अपने को एक कैमरा छोटा वाला मिल जा रहा है, यहाँ पर रबड़ मिल रहा है, इसको जब बंद करेंगे प्रोटेक्शन होगा। यहाँ पर अपने को स्पीकर ग्रिल मिल रहा है। साइड की बात करें तो आप साइड में देख सकते हैं, बड़ा वाला मेमोरी कार्ड लगाने के लिए, दैट्स अ गुड थिंग। यहाँ पर ईयरफोन जैक मिल रहा है, यहाँ पर अपने को सी टाइप पोर्ट है, यहाँ पर चार्जिंग इंडिकेशन मिल जाता है, HDMI का पोर्ट अपने को इधर मिल जाता है। नेक्स्ट, अगर इधर की बात करें, यहाँ पर अपने को 2 USB टाइप के पोर्ट मिल जाते हैं और यहाँ पे अगेन अपने को चार्ज करने वाला पोर्ट मिल जाता है। पीछे और नीचे की तरफ आप देखते हैं तो यहाँ पे ईयर वेंट मिलता है और थोड़ा सा ये अपने को स्टैंड टाइप का सपोर्ट मिलता है, जैसे अच्छी बात है। पीछे भी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है और लैपटॉप थोड़ा सा लाइट वेट है, क्योंकि जनरली जो लैपटॉप होते हैं ना थोड़ा सा हेवी वेट के होते हैं, बट ये लाइट वेट है क्योंकि यहाँ पर अपने को थोड़ा सा अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये अपने को मेटल पार्ट मिल जाता है और इधर की तरफ ये भी मेटल पार्ट है और नीचे अपने को थोड़ा सा ये फाइबर वाला पार्ट अपने को फील हो रहा है। ये मेटल पार्ट नहीं है, नीचे फाइबर है, जिसके कारण से वजन थोड़ा सा कम है। स्क्रीन आप देख सकते हैं 15.6 इंचेस की स्क्रीन है। अब हम लोग इसको करते हैं ओपन। तो अभी ये चार्ज नहीं था ना, तो आप देख सकते हैं इसको हमने चार्ज में टेम्प्रोरी कनेक्ट कर दिया है। लेकिन मेरा जो आपके लिए सजेशन है ना कि कभी भी ये प्रोडक्ट ऐसा कुछ खरीदे ना आप, मुझे तो वीडियो बनाना है, दैट्स व्हाई मुझे ये करना पड़ रहा है। अदरवाइज जब पहले इसको चार्ज में डाल दे, इसको आप फुल चार्ज करें, जब इधर ही इसका इंडिकेशन हो जाए कि ये चार्ज हो चुका है तभी आप इसको ओपन करिए तो सही रहता है। ऐसे कोई बात नहीं, आप इसको नॉर्मली भी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग स्टोर पर जाते हैं तो
वैसे ही करते हैं, लेकिन अपना पर्सनल चॉइस है। अभी ये थोड़ा सा टाइम लेता है, आपको पता है विंडो थोड़ा सा ना टाइम लेता है, विंडोज़ के जो यूजुअली लैपटॉप होते हैं, मैकबुक में थोड़ा सा कम रहता है ये वाला टाइम, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम है तो इसको हम लोग को सेटअप भी करना पड़ेगा। तो चलिए धीरे धीरे जो ओपन होगा फिर हम आपको सेटअप करके दिखाते हैं। ये अब हो रहा ओपन, एक दो मिनट का टाइम लिया हुआ। आप यहाँ पे अगर कीबोर्ड की बात करते तो कीबोर्ड पे आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये दिख रहा है। यहाँ पे जो बटन्स है ना पूरे एकदम स्लिक और प्रीमियम टाइप फील हो रहा है। अपने को बैकलिट जो है यहाँ पे लाइट भी मिल रहा है, नाइट में आपको यूज़ करने में आसानी हो। और यहाँ पे इसकी हम लोग सेटअप करेंगे तो कुछ इस तरीके से अपने को देखने को मिलता है। यहाँ पे अपने को यस कर देना है To set up your device using a screen. और ये मैडम जी बोल भी रही हैं, इंग्लिश जो लैंग्वेज है आप सेट कर सकते हैं। वन टू कीवर्ड लेआउट, अभी इसको हम लोग कर देते हैं स्किप, अभी कीवर्ड की जरूरत नहीं है, कीवर्ड तो इसमें दिया हुआ है। और यहाँ पे आपके पास कर लीजिए, मेरा जब भी वाईफाई है मैंने इसको ओपन रखा हुआ है कि इजीली कनेक्ट हो जाए, पासवर्ड डालने की जरूरत ना हो। तो ये हो रहा है कनेक्ट। अब टच पैड काफ़ी स्मूथ है, मेरा जो इसके पहले लैपटॉप था थोड़ा सा अपने को उसमें ज़्यादा ये करना पड़ता था, एफर्ट लगाना पड़ता था, इसमें कम लगाना पड़ रहा। अपडेट ये चेकआउट कर रहा, यहाँ पर अपने को बैचिंग मिल जा रही, कोर i3 है। और प्राइस मैं बता दूँ, मेरे ऊपर फोकस करी, अगर इसके प्राइस की बात करें ना 37,200 के आसपास है। अभी ये ऊपर नीचे हो रहा है, लिंक मैं दे दूंगा बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके जरूर चेकआउट करिएगा। अगर इसकी पर्पज़ की बात करें ना तो आप अगर कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, आपको ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं या आप कुछ ग्राफिक्स डिजाइनिंग एंड ऑल सीखना चाहते हैं, यूट्यूब थंबनेल बनाना सीखना चाहते हैं, यूट्यूब वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं और बेसिक से कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो ये वाला लैपटॉप के लिए काफ़ी बेहतर होगा। खासकर ऑफिशियल पर्पज़ के लिए, अगर आप ऑफिस में जाते हैं या ऑफिस का कुछ काम आप घर पर करना चाहते हैं तो उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। यहाँ पर आपको 512 की SSD मिल जाती है, 8GB का रैम मिल जाता है। इस प्राइस रेंज में पहले ये सब चीज़ें नहीं मिलती थी, अभी अवेलेबल है। तो आप 256GB के जगह SSD 512 ही लीजिए, वो अच्छा रहता और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी स्मूथ रहता है। तो स्टडी पर्पज़ के हिसाब से काफ़ी बेस्ट है, ऑफिस के लिए जो जाते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। अगर आप काफ़ी इंटेंस कोई काम करना चाहते हैं जैसे कि 3D एनिमेशन हो गया, हाई लेवल की ग्राफिक्स डिजाइनिंग होगी, वो सब चीज़ों के लिए आप अपग्रेड करिए, ऊपर के जो लैपटॉप्स हैं उनके लिए जाइए। तो चलिए फिर हम इसको सेटअप करके आपको फाइनल दिखाते हैं। ये जस्ट अ मोमेंट, अब कुछ सेकेंड में ये अपना ओपन हो जाएगा। कुछ थोड़ा सा यूजुअली जो टाइम लगता है कोई भी लैपटॉप हम लोग नया ओपन करते हैं या फ़ोन भी ओपन करते हैं तो थोड़ा सा अपने को टाइम देना पड़ता है, तो ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा। लेकिन मुझे तो फर्स्ट लुक में ये काफ़ी अच्छा लगा, मुझे इतना उम्मीद नहीं था। HP और डेल के लैपटॉप हमने यूज़ किए हुए हैं प्रीवियसली, बट वो काफ़ी हेवी होते थे, काफ़ी बल्की होते थे और उनमें काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ता था और इस तरीके के एस्थेटिक अपील भी नहीं था उनका। बट ये काफ़ी अच्छा एस्थेटिक अपील में है और प्राइस भी काफ़ी बजट में आ रहा है, डिस्काउंट भी इसके अच्छे चलते रहते हैं इस वाले लैपटॉप पे। अभी हमने देखा काफ़ी लोगों ने इसके रिव्यूज़ भी किए हैं और काफ़ी लोगों ने इसको परचेज़ भी किए हैं, तो यहाँ से कुछ एक्सेप्ट करने का अपने को ऑप्शन है तो फटाफट से हम एक्सेप्ट करते हैं और आगे निकलते हैं। यहाँ पे कुछ आप अपने जो PC का नाम देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। या तो हो चुका हमारा लैपटॉप ओपन फाइनली, अब लास्ट अपने को प्रोसेस है, यहाँ पे अपने को साइन इन करना है। उसके लिए अपने को एक ID बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग साइन इन करेंगे, तो वो एडिशनल प्रोसेस है। आप दूसरे जो टेकी हैं उनके वीडियोस देख के कर सकते हैं, हमारा काम था इसको केवल अनबॉक्स करके दिखा देना क्योंकि हमने परचेस किया है तो आपके साथ शेयर करना बनता ही है। आप देख सकते हैं ऐसा कुछ इधर से दिख रहा है, काफ़ी लाइट वेट है, मुझे तो काफ़ी अभी तो बढ़िया लग रहा है। हम लोग इसको यूज़ करेंगे, फिर कभी नीड हुआ तो आपको बताएंगे। अगर आपको कोई कमेंट की कंफ्यूजन होगा तो पक्का बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर लेना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर जरूर चेकआउट करिएगा। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, कमेंट की कंफ्यूजन के लिए नीचे स्वागत है आपका। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्राना, अलविदा, मसलमा, टेक केयर एंड डू व्हाट यू वांट एंड माय लवली फ्रेंड्स।